हेलो फ्रेंड्स, क्लास टेंथ के रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन एमीबा, पैरामेशियम और प्लेनेरिया जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस को स्टडी किया। उसके साथ साथ मल्टीसेलुलर में डिफ्यूजन और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, कैसे कौन बेस्ट है कौन सा सही नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स। चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन इन फिशेज की बात करते हैं तो फिशेज में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है ये हम लोग क्लास 8 में थोड़ा सा पढ़ा हमने। उसके बाद उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ना है हमें 10th क्लास में। किस तरीके से फिशेज रेस्पायर करते हैं वो सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे जानने की। आपको भी पता है कि फिशेज के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, फिशेज के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वहाँ पे लंग्स नहीं होता है, स्किन से वो रेस्पायर नहीं करता है, ना ही कि सेल मेम्ब्रेन से करता है, क्योंकि मल्टीसेलर है तो सेल मेम्ब्रेन से तो बेशक उसकी रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगी। उसके साथ साथ तो करेगा कैसे, ना उसके पास ये स्पायरिकल्स है ना उसके पास ट्रैकिया है, तो है क्या इसके पास। तो इसके पास एक खास तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जिसको बोलते हैं क्या, गिल्स। अगर इस फिगर को आप देख रहे हैं तो इस फिगर को अगर लेबल करने की कोशिश करें तो इसमें हम लोग को दिखता है 2-3 पार्ट्स। यह है आपके पास गिल्स कवर, यह है आपके पास जो ये दिख रहा है ये चीज, यही है आपका गिल्स। ये है इसका माउथ, जो मेन पार्ट्स है जो हम लोग को रेस्पिरेशन में मदद करेगा उस चीज को देख रहे हैं। तो इसके पास क्या होता है, गिल्स होता है, तो इसके थ्रू वो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। अब क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन करती कैसे है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे करती है, तो चलिए देखते हैं। अगर बात करें रेस्पिरेशन इन फिशेज की तो फिशेज के पास आपके गिल्स होते हैं जो कि अगर बाहर से देखे जाए तो बाहर से गिल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि गिल्स इसके पास दो होते हैं, 2 in number, गिल्स 2 in number दो होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, एक हेड के इस साइड और एक हेड के इस साइड। मतलब एक आपको इस फिगर में दिख रहा होगा जो इसको मैंने दिखाने की कोशिश की है, हालांकि ये दिखता नहीं है, लेकिन एक आपको इस साइड दिख रहा है और इसके जस्ट अपोजिट उस साइड में एक होता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, तो क्योंकि इसके ऊपर एक कवर होता है, उसको ढकने वाला एक कवर होता है जिसको बोलते हैं गिल्स कवर। यही एक्चुअली दिखाई देता है, ये वाला नहीं दिखाई देता। इसको मैंने जानबूझ के दिखाने की कोशिश किया, ट्रांसपेरेंट किया है ताकि वो आपको मैं समझा सकूं। सो गिल्स आर 2 in number डैट कैनॉट बी व्यूड बिकॉज इट इज कवर्ड बाई गिल्स कवर। गिल कवर से ये चीज क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसकी वजह से ये हमें दिखता नहीं है। दोनों हेड के दोनों साइड में होता है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, दोनों साइड में होता है और इसी के थ्रू वो चीज क्या करती है, रेस्पायर करती है। अब होता क्या है जरा सुनिए, ये चूंकि तो ये चीज तो वाटर में रहती है, ये आपके किस चीज में रहती है, वाटर में रहती है। तो वाटर में लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जब एमीबा के बारे में पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं। तो ठीक यहाँ पे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होंगे, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होंगे उसी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये इनहेल करेगी मछली और उसी की मदद से अपने सारे रिक्वायरमेंट को क्या करेगी, फुलफिल करती है। तो कैसे करती है उस चीज प्रोसेस को देखेंगे, पहले इस चीज को देखें।
हमने अभी बात किया है कि गिल्स को आसानी से हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं, वो इनसाइड में होता है। क्यों बाहर से नहीं देख सकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक कवर होता है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स कवर। गिल्स कवर से बाहर से ये चीज़ क्या हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है। चूँकि मछली जो होती है, फिश जो होती है, वाटर में रहती है, इसीलिए ये चीज़ जो है आपका कैसा ऑक्सीजन लेगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होता है उस चीज़ को लेगी। अब कैसे ब्रीद करती है, तो ब्रीद करने के लिए क्या करती है ये चीज़, आपको ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है ब्रीदिंग करने के लिए, जरा देखिए ब्रीदिंग करने के लिए किस तरीके से करती है। तो यहाँ पे जो इस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इस वाटर में आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन तो होगा सर, इस वाटर में आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा। इस वाटर को क्या करती है, ये ले लेती है, अपने मुंह के अंदर ले लेती है। अब मुंह के अंदर जैसे ही लेती है इस वाटर को, तो उसको लेने के बाद क्या करती है, इसको गिल्स से पास कराती है। गिल्स से पास जब कराती है तो होता क्या है, गिल्स के पास प्रॉपर्टी है, गिल्स के पास प्रॉपर्टी क्या है, तो गिल क्या कर सकता है, गिल के पास प्रॉपर्टी है, गिल्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि जो भी आपका वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो भी वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, गिल्स का काम है वाटर जो में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, फ्री ऑक्सीजन को नहीं, फ्री ऑक्सीजन को नहीं। मतलब कि गिल्स का अगर फंक्शन पूछे तो गिल्स हैज द फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। अब जैसे ही ये मुंह में ब्रीद कर, ये सांस लेने के लिए करती है, यहाँ से पानी ले लेती है अपने मुंह में और इसको पास कराती है गिल्स के थ्रू। तो गिल्स के थ्रू जब पास कराती है तो ये चीज़ क्या होता है, इसके पास एबिलिटी क्या होती है, जो भी ऑक्सीजन है उसमें वाटर में, जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, ये एक्सट्रैक्ट कर लेती है। और जैसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेती है, निकाल लेती है, तो इससे बहुत सारे जुड़े रहते हैं ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज बहुत पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचे रहते हैं। तो उस बॉडी के पार्ट्स तक वो चीज़ क्या होते हैं, ब्लड का सप्लाई ब्लड के साथ वो मिक्स हो जाता है, जो एक्सट्रैक्ट किया ऑक्सीजन ये गिल्स ने, गिल्स क्या किया, ब्लड के साथ उसको मिक्स कर दिया, ब्लड के साथ वो उसको ये चीज़ ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, और वो ब्लड क्या हो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कैपिलरीज की मदद से, वेंस और आर्टरीज की मदद से क्या होता है, इसके बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है तो हर सेल में पहुंचेगा, और हर सेल में जब पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा कि रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन के एज ए बाई प्रोडक्ट, आई रिपीट वंस अगेन, रेस्पिरेशन के एज ए बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्मेशन होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ब्लड के साथ मिक्स कर देती है, ब्लड में वो चीज़ छोड़ देती है, ब्लड में वापस भेज देती है, बॉडी के सेल्स जो है इसका ब्लड में उसको वापस कार्बन डाइऑक्साइड में वापस कर देती है उसको। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड फिर वापस लाता है कहाँ के पास, कहाँ, इस गिल्स के पास, इस गिल्स के पास, और इस गिल्स के थ्रू आपके सराउंडिंग वाटर में उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ हुआ, अभी देखिए अभी पहले वाला प्रोसेस बचा हुआ है कि जब यहाँ से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो जो पानी बचा हुआ है वो चीज़ क्या होगा, तो जो पानी बचा हुआ है इसके पीछे, इसके गिल कवर के पीछे होता है गिल स्लिट, उसको हम नहीं दिखा पाए हैं, गिल कवर के पीछे होता है गिल स्लिट, उसके थ्रू वो वाटर क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से ये रेस्पायर कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल, प्रॉन्स हो गया, मसल्स हो गया, या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है जिसके पास गिल्स होते हैं, वो इसी तरीके से रेस्पायर करते हैं। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे फिश के पास सर, अगर गिल्स के पास लंग्स होता तो,
फिश के पास लंग्स होता तो वो तो भी वो मर जाती। क्यों? क्योंकि रहेगी तो पानी में ही। अब जब पानी में रहेगी तो लंग्स के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर ले। बात यहां चीज, अगर वो चीज होता तो हम लोग वाटर में सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन करते नहीं हैं। हमारे पास लंग्स है, इसके पास लंग्स अगर होता गिल्स के जगह पे तो भी ये सर्वाइव नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका फंक्शन, लंग्स का क्या फंक्शन है, फ्री ऑक्सीजन को जो एयर में मिक्स्ड है ऑक्सीजन उसको एक्सट्रैक्ट करता है, एयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है, ना कि वाटर से वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है। यही इसकी वजह से ये चीज़ वाटर, ये आपका इसके पास अगर लंग्स भी होता तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती। मतलब हमने क्या देखा अभी, ब्रीदिंग करने के लिए क्या करती है फिश, फॉर ब्रीदिंग फिश टेक्स इन टेक्स वाटर इनटू द माउथ, माउथ में क्या करती है उसको ले लेती है पानी, पानी ले लेती है। क्यों? आपको पता है कि पानी में आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है। अब इसके बाद क्या होता है, इट देन पासेज द वाटर थ्रू द It then passes the water over the gills. Gills के पास क्या करती है, उसको पास करती है, gills के पास वो चीज जाता है, gills क्या करता है, the gills then extracts the dissolved oxygen present in the water. Water में जो dissolved oxygen है उसको क्या करता है, extract कर लेता है gills। और अब क्या होता है, gills extract कर लिया, अब क्या हुआ, जो water बचा हुआ है उसको क्या किया गया, वो gill slit के through pass कर जाता है, जो कि आपका कहाँ पे होता है, छुपा हुआ रहता है किसके, gill cover के पीछे। The leftover water passes to the gill slit, कहाँ पे होता है, hidden under, आप लिख सकते हैं, which gill slit which is hidden under the gill cover, left over water कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, मतलब उसमें से जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है निकाल लिया गया गिल्स के द्वारा, तो जो पानी बचा हुआ है उसको क्या किया जाता है, गिल्स स्लिट के पास भेज दिया जाता है, देन पासेस टू द गिल्स स्लिट के पास चला जाता है, और गिल्स स्लिट क्या होता है, आपका गिल कवर के पीछे होता है। अब यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, निकल जाता है बॉडी के बाहर, मतलब सराउंडिंग वाटर में। अब क्या होता है, ऑक्सीजन, देखिए ब्रीदिंग करने के लिए फिश क्या करती है, वाटर को लेती है अपने माउथ में,
उसको फिर वापस, उसको करती क्या है, उसको गिल्स पे भेज देती है, जो वाटर ली है उसको कहाँ भेज देती है, गिल्स के पास। अब गिल्स क्या करता है, गिल्स के पास एक काम है कि उससे जो भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको क्या कर ले, एक्सट्रैक्ट कर ले, निकाल ले। निकाल करके उसके बाद क्या होता है, जो पानी बचा हुआ है उसको गिल स्लिट के पास भेज देता है, और गिल स्लिट से उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है। देखिए, कह रहा है कि गिल स्लिट से क्या होता है, वो वाटर उसके बॉडी से बाहर आ जाता है, फिश के बॉडी से बाहर आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन है, एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन जो होता है आपका, जो कि आपका गिल्स ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, वो क्या होता है, उसके साथ जो कैपिलरीज जुड़े रहते हैं, कैपिलरीज जो जुड़े रहते हैं उससे क्या होता है, उसके बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंच जाता है, ब्लड के साथ मिक्स होकर के वो चीज़ क्या होता है, सारे पार्ट्स तक पहुंच जाता है। द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज देन पास टू द ब्लड विच कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसको कहाँ पर, ब्लड में पास कर देता है, ब्लड क्या करता है उसके बॉडी के हर पार्ट तक क्या करता है, पहुँचा देता है, और पहुँचा देता है क्या होता, होता क्या है, उस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये चीज़ जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाला गया तो इसकी शायद फिश की मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो उसको क्या, फिश इज बींग कैरिड बाई ब्लड, जिसको वापस क्या कहते हैं, ब्लड बैक टू द गिल्स, जिसको क्या कहते हैं, ब्लड फिर क्या करता है, कैरी करता है वापस, उसको लाता है कहाँ पे, गिल्स के पास, उसको गिल्स के पास लाया जाता है, और गिल्स क्या करता है, गिल्स के पास क्यों लाया जाता है, ताकि उसको सराउंडिंग वाटर में एक्सपेल कर दिया जा सके, मतलब निकाल दिया जा सके, ताकि वो आसानी से सर्वाइव कर सके। तो ये प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन आपके इस फिशेज में, फिशेज में ही नहीं, सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स, मैंने बोला सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स जिसमें गिल्स होते हैं, जैसे आपका फिशेज, प्रॉन्स, मसल्स, ये सारे के सारे चीज़ जो भी हैं, इनमें क्या होता है, इसी तरीके से रेस्पिरेशन होता है। एक क्वेश्चन फिर आता है कि
अगर इसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसको अगर बाहर निकाल दिया जाता है जहाँ पे एयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है और वाटर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बाहर में होता है, तो यहाँ पे वो मछलियाँ मर जाती हैं। क्यों? तो मैंने पहले ही इसका जवाब दिया कि उसके पास गिल्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और हमारे पास क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होता है इसमें फ्री ऑक्सीजन है, जो फ्री ऑक्सीजन है फ्री ऑक्सीजन को वो नहीं ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है और जिसके एज ए रिजल्ट वो चीज़ क्या होती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके पास हमारे जैसे लंग्स नहीं होते हैं, हमारे लंग्स के पास क्या होती है, वो फ्री ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है एयर से। हाँ, लेकिन इसके पास एक और डिमेरिट है कि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो चीज़ क्या हो जाता है, मछलियाँ मर जाती हैं। और यही वो रीजन है, गिल का काम क्या है, एक्सट्रैक्ट करता है कैसे ऑक्सीजन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को, कहाँ से, वाटर से, ना कि वो फ्री ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है एयर से। और यही वो रीजन, दिस इज द रीजन व्हेन फिशेस कम आउट ऑफ द वाटर डाइज इवन व्हेन देयर इज ए लार्ज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। और यही वो वजह है कि जब उसको बाहर, जब वो मछलियाँ बाहर आती हैं तो उस बावजूद इसके कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई है ऑक्सीजन का, फिर भी वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो फ्री ऑक्सीजन को नहीं ले सकती है और वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो ये रहा आपके रेस्पिरेशन इन फिशेस का एक बड़ा हिस्सा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ।